हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाईटी सर्विस। आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, अगर आपकी वेबसाइट एडसेंस में अप्रूव नहीं हो रही है, बार बार कोई ना कोई दिक्कत आ रहा है, लो वैल्यू पॉलिसी इश्यूज आ रहे हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा विदाउट एनी कोई कंटेंट में एक भी आर्टिकल आपको नहीं लिखना है और आपकी जो वेबसाइट है 100% गाइस अप्रूव होगी, गारंटी है। आपके जो इस टाइम चल रहा है ना, अभी मार्केट में गूगल सबसे ज़्यादा प्रमोट कर रहा है गेम वाली स्क्रिप्ट वाली साइट को, जिसकी भी गेम स्क्रिप्ट आप यूज़ कर रहे हो वो तुरंत ही अप्रूवल दे रहा है और विद इन आपका बहुत फास्ट आ रहा है, 5 से 6 दिन में आपका अप्रूवल आ जाएगा, कोई भी इशू नहीं आएगा, ना कोई लो वैल्यू आएगा, ना पॉलिसी इशू आएगा, क्योंकि वो जो स्क्रिप्ट होता है ना, बहुत मतलब जो उसके बॉट के हिसाब से रहता है, सब कुछ उसके फ्रेंडली होता है और वो तुरंत ही अप्रूवल उसको दे देता है, कोई भी उसको इशू नहीं मिलता है और बहुत ही इजी उसका सेटअप होता है। इस वीडियो का आपने पूरा वॉच कर लिया ना, मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ कि कैसे आपको स्क्रिप्ट इंस्टॉल करना है, कैसे उसको कॉन्फ़िगर करना है, कैसे उसको लाइव करना है। बहुत ही इजी प्रोसेस है, अगर आपने थोड़ा सा समझ लिया ना, तो आपका जो इतना इशू आपको आ रहा है ना अभी तक, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो चुके होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो समझ रहा हूँ मैं कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, लो वैल्यू आप बहुत सारा कंटेंट भी लिख चुके हो, तो मेरे हिसाब से एक बार आप ट्राई कीजिए आप गेम स्क्रिप्ट को, और उसका जो प्रोसेस होता है ना बहुत ईजी होता है, बस आपको जो स्क्रिप्ट है वो आपको इंपोर्ट करनी है, मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छी ये वीडियो है, बहुत ही लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, इसलिए मैं दोबारा से एक और इजी तरीके से आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको इंस्टॉल करना है, कैसे आपको स्क्रिप्ट में लेके सब कुछ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये गेम स्क्रिप्ट कहलाती है, और एक साइड नहीं है मेरे यहाँ पे, दो दो साइड और बहुत सारी साइड जो है मैं जिसमें गेम स्क्रिप्ट का यूज़ कर रहा हूँ। अब एक एक साइड बताने के लिए बैठ जाऊँगा तो अभी मतलब कम से कम नहीं है 1 घंटा चला जाएगा। अभी जो मैं रिव्यू के लिए डाल रखा हूँ कम से कम नहीं है 50 से 60 ज़्यादा रिव्यू में मेरी पड़ी हुई है। तो अब आपको क्या करना है गाइस, देखिए ये जो स्क्रिप्ट है आपको डाउनलोड करना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जस्ट उस पर क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। ओके, बहुत इजी है। अब जो इसको सेटअप करना है बहुत इजी है, इस वाले डोमेन को मैं दोबारा सेटअप करने वाला हूँ, और मैंने जो अप्रूवल आते हैं वो मैंने लाइव वीडियो, पीछे वाली वीडियो जो आपकी प्रीवियस वीडियो है मेरी, उसमें मैंने लाइव पूरा दिखाया हुआ है कि मेरा अप्रूवल हुआ था, कौन कौन से डोमेन अप्रूव हुए थे, सब कुछ आप वॉच भी कर सकते हो उन वीडियो को। ओके, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रिप्ट है। अब मैं इस स्क्रिप्ट को मैं पहले डिलीट करूँगा और फिर मैं इस स्क्रिप्ट को पहले आपको डाउनलोड जो मेरे करी हुई है, मैं फाइल जो है डाउनलोड की हुई है, ये वाली फाइल आपको डाउनलोड करनी है जस्ट। ओके, अब मैं आपको पहले यही समझा देता हूँ, पहले इस फाइल को मैं पहले यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ, एकदम क्लीन कर लेता हूँ आपके लिए, बिल्कुल एकदम साफ पूरा स्टार्टिंग से करूँगा, और इस वाली साइड को पहले हटा लेते हैं, इस साइड को पहले पूरा ही डाटा ही डिलीट कर देते हैं। ओके गाइस, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए बहुत इजी तरीके से। तो ये जो फाइल है आपको मैं यहाँ से पहले, ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है यहाँ पे खुलने में, ये फाइल हमारी यहाँ पे खुल गई है, तो इसको हम पहले डिलीट कर लेते हैं, यहाँ से जस्ट मैं डिलीट करूँगा एंड पूरा स्टार्टिंग से इसको बताने वाला हूँ, इस साइड को पूरा बिल्कुल आपको देखिए, ये स्क्रिप्ट अभी ऐसी थी, अभी आपका ये स्क्रिप्ट हमारी डिलीट हो चुकी है, तो उफ्स करके आ जाएगा 404 का एरर कि अब इस टाइप का कोई डाटा नहीं मिला है। अब मैं इस स्क्रिप्ट का कैसे यूज़ करना है चलो मैं आप जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्क्रिप्ट आपको डाउनलोड करनी है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस टाइप से आपकी जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी, ये वाली फाइल। ठीक है, पब्लिक HTML और जिप फाइल रहेगी, इसको आप अनजिप कर लेना, मैंने इसलिए पहले से अनजिप कर लिया जिससे मेरा यहाँ पे कम से कम नहीं 5 मिनट का टाइम लगता है, तो 5 मिनट आपका बच सके। ओके, तो ये मेरा जो फाइल है जिप वाला और ये है मेरा अनजिप वाला, तो जब भी आप अनजिप कर लें तो जो जिप फाइल आपने डाउनलोड की है इसको जस्ट डिलीट कर देना, नहीं तो आप बहुत कन्फ्यूज होने वाले हो, क्योंकि एक एक स्टेप आप समझोगे नहीं, वीडियो स्किप करोगे तो 100% कन्फ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये यहाँ थोड़ा सा ट्रिक है। तो आपका मैंने पहले वाला जो डाउनलोड किया था उसको मैंने डिलीट कर दिया, उसको अनजिप यहाँ पे कर लिया और इसकी सारी फाइलें मैंने निकाल ली। आपका क्या करना है गाइस, आपको ये यहाँ पे पावर सेल लिखना है, पावर सेल लिखोगे, ओनली पावर ही लिख दोगे ना, पावर सेल आ जाएगा, इस टाइप से आपको आ जाएगा। ठीक है, अब पावर सेल ओपन करने के बाद मैं आपको एक कोड दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी दोनों चीज़ की, तो ये कोड आपको दोनों, ये फर्स्ट कोड है ऊपर वाला, ये यहाँ से यहाँ तक सेकंड कोड है, और ये यहाँ से CD से लेकर लोकेशन तक। अब ये क्या होता है, ये लिखा ना यहाँ से D से लेकर फाइल लोकेशन, अब यहाँ पे हमें एक फाइल लोकेशन डालनी है किसकी, SSGGurukul.com की। ओके, अब ये डोमेन क्या है, जो मैंने ये फाइल डाउनलोड कर रखी है ना, ये वाली, ये इस फाइल की लोकेशन मुझे डाउनलोड करनी है। अब मैं चलो बताता हूँ कैसे करना है, क्योंकि हमारा जो SSGGurukul.com है इससे आपको अपने डोमेन को रिप्लेस करना है।
ये मेरा पुराना डोमेन है, ये आपका नया डोमेन है, तो पुराने डोमेन का सारा डाटा नए डोमेन में डालना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस वाले फाइल को, लोकेशन को जो मैंने अनजिप किया था, इसको ओपन कर लूँगा। ओपन कर लिया आपने, ठीक है। यहाँ पे ऊपर जो आपका ये सर्च बार, देखो ये फिर से समझिए, ये जो पीसी डाटा और आपका जो भी लिखा होगा फाइल लोकेशन, उससे मैटर नहीं करता। यहाँ पे जस्ट खाली क्लिक करोगे, ये पूरा लोकेशन सामने आ जाएगा और इसको जस्ट कॉपी कर लेना है, बस कॉपी कर लेना है और आपको इस फाइल पे आ जाना है और जहाँ से डी लिखा हो, फाइल लोकेशन लिखा है, यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर देना है गाइस, जस्ट पेस्ट, ओके। ये आपकी एक फाइल लोकेशन बन गई। अब मैंने यहाँ पे लोकेशन दे रखा है कि ssggurukul.com की जगह मुझे एक नया डोमेन डालना है, तो नया डोमेन मेरा क्या था, मैं अपना देख लेता हूँ। नया डोमेन मेरा था updateabout.site, वहाँ यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया और मैं अपना यहाँ पे न्यू डोमेन, यहाँ पे आपको अपना डोमेन डाल देना है और यहाँ पे ssggurukul.com रहेगा, ठीक है। याद से यह चीज़ सेम रहेगी। अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट लोकेशन को कॉपी कर लेना है। ये मेरी इस लोकेशन को दर्शाती है, जैसे कि ये वाली लोकेशन है, इस वाले जितने भी इसमें ssggurukul.com लिखेगा उनको रिप्लेस कर देगा मेरा updateabout.site में, ओके। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, पावर सेल को ओपन कर लेना है। जस्ट यहाँ पे मैं इसको पहले मिनिमाइज कर लेता हूँ और यहाँ पे पावर सेल में ये मैंने फर्स्ट कोड एंटर कर दिया, ठीक है, पेस्ट करके एंटर मार दिया। और अब मुझे यहाँ से ये सेकेंड वाला कोड यहाँ से यहाँ तक कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेना है एंड जस्ट इंटर मार देना है। अब इससे क्या होगा, आपको कुछ समझ में नहीं आया, बहुत इजी था, बिल्कुल कॉपी पेस्ट करना है, बिल्कुल एडिट करके। और जो जादू हुआ ना, अभी मैं बताता हूँ आपको जादू, इन सभी फाइलों में, अभी आपको इसको रिफ्रेश कर देना है, इन सभी फाइलों में जो ssggurukul.com का नाम था वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया अपडेट अबाउट के नाम से। अब ये वाला नाम चेंज नहीं होगा, ना भी इसको चेंज करना है, वो क्यों मैं अभी बताता हूँ। अभी इसका हमने चेंज कर लिया और इसको हम कर देते हैं कहाँ, कंप्रेस, और जिप फाइल हमें एक बना लेनी है बिल्कुल आराम से, ठीक है। ये हमें बनाने में मुश्किल से मुश्किल एक मिनट का टाइम ही नहीं लगेगा और आपके देखिए सामने ही बन रही है ये जिप फाइल, मेरी रेडी हो जाएगी। अब ये जिप फाइल हमें डालनी कहाँ है, ये हमें डालनी है अपने, अगर आप सी पैनल यूज़ कर रहे हो, जैसे किसी होस्टिंगर यूज़ कर रहे हो तो फाइल सेक्शन में सीधा आ जाएंगे, अगर आप सी पैनल के होस्टिंग यूज कर रहे हो तो सी पैनल के अंदर आपको फाइल सेक्शन के अंदर आना है। ये मेरी जिप फाइल बन गई है। अभी जिप फाइल को मैं डालूंगा यहाँ पे, ये मैंने फाइल सेक्शन खोल रखा था ना, और यहाँ पे मैंने बोला था डाटा डिलीट कर दिया, चलो मैं एक बार फिर समझाता हूँ। ये मैंने यहाँ पे डोमेन सेलेक्ट किया, फाइल पे गया, फाइल मैनेजर पे गया, एक्सेस टू अपडेट अबाउट साइट डॉट साइट पे मैं गया, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे देखिए यहाँ पे खाली दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं जस्ट अपलोड फाइल करूँगा। और मेरी ये वाली फाइल थी, देखिए ssggurukul मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर ली थी, पहले सबसे पहले मैं जिप फाइल डाउनलोड की थी, फिर उसको अनजिप किया था, अनजिप करने के बाद उसको नाम को रिप्लेस किया था कोड के थ्रू, फिर मैंने एक अनजिप फाइल बना ली थी ये वाली, ठीक है। अब ये जो जिप फाइल लास्ट में बनी है इसको हमें करना है यहाँ पे अपलोड, ठीक है। इसको अपलोड होने में कम से कम नहीं आपका एक से डेढ़ मिनट का टाइम लग जाएगा बड़े आराम से। तो यहाँ पे अभी बता भी रहा है कि आपका एक मिनट कुछ सेकंड आपका लगने वाला है, तो यहाँ कोई बात नहीं, हम बात करते हैं यहाँ पे, अभी देखते रहते हैं और आपका देखना सामने सामने अपलोड हो जाएगा। और फिर अपलोड होने के बाद ये बहुत अच्छे से अभी देखना है, इसका सेटअप बताऊँगा, कहाँ आपको हेडर में आपको अपना एडसेंस का कोड लगाना है, आपको एनालिटिक्स का लगाना है, तो ये सब आपको किस जगह रहेंगे, क्योंकि कम से कम नहीं 20 से 25 हज़ार फाइलें इसके अंदर रहती है, तो ये ढूंढना आपके लिए बहुत हार्ड रह जाएगा। तो अभी इसी में देखना अभी कहाँ पे वो सेक्शन रहेगा, नहीं तो आप हेडर सेक्शन ढूंढते ढूंढते थक जाओगे, इतने इंडेक्स डॉट PHP मिलेंगे, ठीक है, इंडेक्स डॉट HTML मिलेंगे, ठीक है। तो इस फाइल को आपको कर लेना एक्सट्रैक्ट सेम फोल्डर में, तो यहाँ फोल्डर में मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ सेम फोल्डर में, तो डॉट दबाया और यहाँ पर फाइल को यहाँ पे देखना, अभी हमारी फाइल public HTML के नाम से सेव होगी और यहाँ पे देखिए सारा डाटा आ गया। इस सारा डाटा आने के बाद आपको क्या करना है, ssggurukul.com है ना, इसको रिप्लेस करना है, रीनेम करने के बाद सिर्फ आपको यहाँ पे ये HTML बचाना है, ठीक है, और जो वेबसाइट का नाम है इसको हटा देना है और ये पुराना डाटा को डिलीट कर देना है। अब यहाँ देखेंगे हमारा जो वेबसाइट है वो लाइव हो चुका होगा, देखिए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सारा हमारा जो फाइल है वो एकदम दिखने लगा है मस्त तरीके से। तो ये जो फाइल है हमारा सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है, ओके गाइस। अब चलते हैं अपने फाइल सेक्शन के अंदर, अब आपको हेडर सेक्शन कहाँ मिलेंगे ये वगैरह सब कुछ आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ जब फाइल आप ओपन करेंगे तो यहाँ नीचे आपको चले जाना है, थोड़ा नीचे चले जाएंगे तो बहुत सारी फाइलें आपको मिलने वाली, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ आप स्क्रॉल डाउन करते जाना, ठीक है। तो यहाँ मिलेगा index.html, ओके, index.html को आप जस्ट एडिट पे क्लिक कर देना राइट साइड में,
तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे मीटर लिखा, तो यहाँ पे आपको अपना सर्च कंसोल ऐड कर लेना है, ध्यान से सर्च कंसोल ऐड कर लेना है। और ये आपका रहा एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स, यहाँ पे इस कोड को रिप्लेस कर देना है आपका कोड यहाँ, या फिर इस कोड को ही पूरा बना लीजिए, ठीक है। और इस कोड की जगह आपको अपना एडसेंस का कोड डाल देना है, ठीक है। ये चीज़ें होंगी आपके हेडर सेक्शन की, और ये बिल्कुल तरीके से आपको करना है। जब कहीं आपका ये सब हो जाएगा ना, तो एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पे जब आप वेबसाइट पे सर्च करोगे ना, तो यहाँ पे आपको देखिए टर्म्स ऑफ सर्विस मिलेगा, इसको एक बार जब चेक जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ बहुत थोड़ा सा जो कोड है ना वहाँ पे काम नहीं कर पाता है कभी कभी। अगर आपका काम कर गया तो ठीक है, नहीं तो आपका नहीं किया तो यहाँ पे एक चीज़ जरूर चेक कर लेना सॉरी, यहाँ पे कुछ यहाँ पे डाटा है तो यहाँ पे एफ सर्च करना और SSG लिखना, ठीक है, और गुरुकुल लिखना। और अगर आपका यहाँ पे SSG गुरुकुल कॉपीराइट आ रहा है तो आपको यहाँ पे एडिट करना पड़ेगा, ये मैनुअली करना पड़ेगा, और ये शायद इसी अकेले में आएगा। अगर आपका पॉलिसी प्राइवेसी पॉलिसी में जहाँ तक नहीं आता है, देख लेता हूँ एक बार, इसमें नहीं, बस आपको टर्म्स एंड सर्विस में आपको एडिट करना पड़ेगा। तो अब वो एडिट आपको कैसे करना है, यहाँ तो मैंने आपको बता दिया है, आपको यहाँ पे अपना हेडर का सेक्शन मिलेगा, यहाँ से आप अपने यहाँ से इतना हेड सेक्शन है इसके अंदर कितना भी हेड में डाल लीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब आपको ये टर्म्स एंड सर्विस आपको ये वाला जो है टर्म एंड सर्विस आपको एडिट करना है, तो ये वाला कॉपी कर लेना है टर्म्स एंड सर्विस, ये वाला कीवर्ड, ये कीवर्ड डालने के बाद यहाँ पे सर्च बॉक्स में क्लिक करना। अगर आपका जो cPanel है वहाँ पे भी सर्च बॉक्स आता है, तो यहाँ पे टर्म्स ऑफ सर्विस इंटर करना है और इंटर मार देना है। तो यहाँ पे एक बॉक्स आएगा, यहाँ पे टर्म्स ऑफ सर्विस, यहाँ पे क्लिक करना है और बैक आ जाना है। बैक आने के बाद देख सकते हैं पब्लिक HTML एंड टर्म्स एंड सर्विस का बॉक्स खुल गया, ठीक है, जो फोल्डर है वो खुल गया और index.html आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको एडिट पे क्लिक कर दूंगा। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए इतना सारा कोड है, वही वाला सब कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, F दाबना है और कंट्रोल F दाबना है। चलो कंट्रोल F ना दाब के कंट्रोल H दाब देना। H दाबने से क्या होगा, सीधा रिप्लेस हो जाएगा। और अगर F भी दाबोगे ना, तो यहाँ पे प्लस वाला दाब दोगे तो ये भी सेम चीज़ है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो SSG मेरा गुरुकुल आ रहा है, इस कीवर्ड को कॉपी कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे सर्च करूँगा तो देख सकता हूँ यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड अभी भी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये अभी मतलब यहाँ पे बैकएंड में अभी लगा पड़ा है, ठीक है। तो अब ये इसको क्या करना है, आपको अपने ओरिजिनल डोमेन नेम से इसको रिप्लेस कर देना है। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे डाउनलोड मतलब अपना जो ओरिजिनल है और ऑल पे क्लिक कर देना एंड देन सेव कर देना, ठीक है। अब मैं देखता हूँ इस चीज़ को कैसे नहीं अपडेट होता है, 100% गाइज अपडेट हो जाएगा। और देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट अबाउट अपना चेंज हो गया, देखिए रिफ्रेश भी कर देता हूँ और यहाँ पे मैं SSG लिख देता हूँ। अब बिल्कुल नहीं SSG आएगा क्योंकि यहाँ पे अपडेट अबाउट चेंज हो चुका है। ये चीज़ जरूर थोड़ा सा पॉइंट है, पिछली वीडियो में शायद नहीं बता पाया, ध्यान नहीं दिया मैंने, कई कमेंट आई तब जाके मैंने इस चीज़ को नोटिस किया कि ये शायद ऑटोमेटिक इस कोड से जो है, इस वाले कोड से वो अपडेट नहीं कर पा रहा था, अंदर कुछ ज़्यादा अंदर फोल्डर हो गया होगा इस वजह से। तो कभी कभी ये चीज़ें बग हो जाता है कि कभी कोई चीज़ें अपडेट ना कर पाए, तो आपको ये देखना है जहाँ SSG गुरुकुल लिखे उस चीज़ को यहाँ पर सर्च कर लेना कि किस फोल्डर में है और उसको रिप्लेस कर देना। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा कि कैसे आप इसको अप्रूवल के लिए, अब आपको अप्रूवल के लिए जस्ट वही सेम प्रोसेस होता है गाइज। अब मैं एडसेंस के लिए अलग से आप अप्लाई करके बताऊंगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको वो सेम ही है कि इसको सीधा यहाँ पे कॉपी किया, एडसेंस में अप्लाई कर दिया, उसका कोड है जो हेडर में डाल दिया, सिंपल है, वही चीज़ है जो सब लोग आप अप्लाई करते हैं। और जस्ट देखेंगे कि आपका जो 5 से 6 दिन में आपका जो एड्रेस अप्रूव हो चुका होगा। तो आई होप गाइस वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर लो, कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके बता दो, मैं उस पर भी वीडियो आपके लिए ला दूंगा। तो वीडियो यहीं तक रहने दे गाइस, थैंक यू सो मच।